कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए अनाचार और हत्याकांड के विरोध में डॉक्टर्स का आक्रोश दिखा। सड़कों पर उतरे डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर पीड़िता की आत्मा की शांति के लिए मौन धारण कर प्रार्थना की। कोलकाता में महिला डॉक्टर मौमिता देवनाथ की जघन्य हत्या एवं अस्पताल में तोड़फोड़ तथा डॉक्टर्स पर सैकड़ों असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले के खिलाफ दुर्ग भिलाई के समस्त डॉक्टरों ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधीश के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर दुर्ग भिलाई के समस्त नर्सिंग होम एवं प्राइवेट क्लिनिक की ओपीडी सेवाएं बंद रही। वही जिला चिकित्सालय की महिला एवं प्रसूति विभाग की महिला चिकित्सकों के हड़ताल पर जाने से वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी एवं सेक्टर 9 हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने काली पट्टी लगाकर ओपीडी में कार्य कर विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में IIM भवन दुर्ग में सैकड़ों डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राएं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भारी संख्या में एकत्रित होकर अपना आक्रोश जताते नजर आए। इस दौरान डॉक्टर्स व मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा जोरदार नारेबाजी कर जमकर आक्रोश व्यक्त किया गया और शाम को सिविक सेंटर में कैंडल मार्च निकालकर एवं मौन धारण कर पीड़िता एवं दिवंगत महिला चिकित्सक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देखिए, ये जो कलकत्ता की मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है, इतनी बर्बर घटना हुई है और इतनी नृशंस घटना हुई है कि इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। देखिए, महिलाओं को हर जगह सेफ रहने का अधिकार है, ये हमारा अधिकार है जिसका हनन किया जा रहा है। और जिस प्रकार से महिलाओं के अगेंस्ट जो शारीरिक हिंसा हो रही है उससे ये दर्शाता है। देखिए, 2012 में जब निर्भया हत्याकांड हुआ था तब हमको ये लगा था ये अल्टीमेट ये है, इंसिडेंट है। इसके बाद समाज में ये जागरूकता आ जाएगी, लोगों में ये जागरूकता आ जाएगी कि महिलाओं को एक आपने सम्मान देना है, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। परंतु और उस समय ये नारे भी लगते थे कि निर्भया हम शर्मिंदा हैं, तेरे हत्यारे जिंदा हैं। उनके हत्यारों को शायद कानून ने सज़ा दे दी है, पर मैं बहुत दुखी मन से आज ये कह रही हूँ कि वो मानसिकता आज भी जिंदा है कि किसी भी महिला को अगर आपने पनिश करना है, चाहे कोई भी रीज़न रहा होगा, तो आप इस प्रकार से उसके साथ बिहेव नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, निश्चित रूप से ये हमारा अधिकार है पढ़ने का, ये हमारा अधिकार है आगे बढ़ने का, तो इसमें सामने वाले को आपत्ति क्या होनी चाहिए। जिस प्रकार से मुझे जानकारी मिली है सोशल मीडिया से कि उस लड़की ने कुछ एविडेंसेस कलेक्ट कर रही थी जो भी वहाँ पर घटनाक्रम हो रहा था, तो क्या ये उसकी गलती हो गई और उसकी इस गलती की सज़ा इस प्रकार से हो कि वो लड़की जो अपने सपने साकार करने के लिए मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, उस बच्ची के साथ आप इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये समाज में क्या संदेश जाता है। जितनों के माता पिता जिनकी बच्चियां बाहर हॉस्टल कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, उनके मन में आज एक डर है ये, और ये डर सिर्फ इसलिए है कि हमारे समाज में ये मानसिकता आज भी जिंदा है। मोदी जी ने जो दिया है नारा, वो बहुत अच्छा नारा है कि लड़कियां सशक्त बने। हमारी लड़कियां सशक्त हैं, निडर हैं मानसिक रूप से, हाँ फिजिकली थोड़ी सी वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, परंतु आज का जो नारा होना चाहिए और आज के इस घटना के बाद मैं समझती हूँ हमको लड़कों को समझाना है, पुरुषों को समझाना है कि इस प्रकार से आप लड़कियों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। मानसिकता आपको जो है महिला विरोधी वो बदलनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आज के ज़माने में आप लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए आपको उनके वर्क प्लेस में, उनके कॉलेजेस में, उनकी शैक्षणिक संस्थाओं में, जहाँ भी वो रहती हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर आपको एक जो सेफ्टी प्लान है, महिलाओं को किस प्रकार से एक सुरक्षित माहौल दिया जाए, उसके लिए शासन को, सरकार को इस पर फिर से चिंतन मनन करके कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप सब जानते हैं लड़कियों को सेफ रहना है, लड़कियों को खुद से खुद की परिवार से रक्षा करनी है, ऐसे लोगों से रक्षा करनी, परंतु जब तक कानून नहीं होंगे इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। देखिए, वर्क प्लेस में जो सुरक्षा का माहौल है उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि भाई हर प्रकार की सुरक्षा आपको मुहैया की जा रही है, परंतु अगर उस लड़की को जो वर्किंग आप
मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात ही ले लीजिए, उनके जो वर्किंग आवर्स हैं इतने इतने जटिल हैं, लंबे लंबे समय तक उनको ड्यूटियाँ करनी पड़ती हैं, उनके लिए प्रॉपर रहने की व्यवस्था नहीं होती है, रिफ्रेशमेंट होने की व्यवस्था नहीं होती है। तो ये सारे जो हैं कि मेडिकल कॉलेज में, हॉस्टल्स में इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, इस प्रकार के इंतजाम होने चाहिए ताकि वो निर्भीक होकर अपनी ड्यूटी कर सके, और उनके ड्यूटी आवर्स भी इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि आप इस प्रकार की घटना हो सके। दूसरा जी, एक बात हम लोग ऐड करना चाहते हैं इसमें जी, देखिए कानून तो ऐसा है कि कानून है, कानून कड़ा होना चाहिए, और इस प्रकार के जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट उनके उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। मोदी के साथ खड़े हैं, कैसा देखिए नाइट शिफ्ट बिल्कुल लगनी चाहिए। हम इसमें बीइंग अ महिला हम ये नहीं कहते कि हमें नाइट शिफ्ट से आप हमें मुक्त करें, हम बिल्कुल करेंगे वो, क्योंकि वो हमारे करिकुलम में है, हमारे एजुकेशनल प्रोफाइल में है, परंतु आप हमें सुरक्षा दीजिए, आप हमारी ड्यूटी आवर्स को ये करिए, चैनलाइज करिए उसको, एक निश्चित आवर्स बनाइए, और जब महिला ड्यूटी करती है तो आप ये देखें कि उस परिसर में कोई अनजान व्यक्ति ना आए। इस केस में, पर्टिकुलर केस में ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति रात के 2 बजे 1 बजे शराब पीकर अंदर घुसा है और उसने इस प्रकार की वारदात की है, तो ये सुरक्षा व्यवस्था जो है ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उस पर महिलाएं निश्चित रूप से अपनी ड्यूटी करेंगे चाहे रात हो कि दिन हो, परंतु उनको सुरक्षा मुहैया कराने का जो अधिकार है वो नियोक्ता का है, साथ ही साथ सोसाइटी का भी है। मैं डॉक्टर अर्चना चौहान, पूर्व अध्यक्ष इंडियन IIM दुर्ग। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।